क्या आपको पता है कि एक ऐसा बंदा है गेम के अंदर पबजी ऑन की कम्युनिटी में जो कि एग्जिस्ट करता है, जिसने भाई साहब एक सिंगल नॉर्मल गेम के अंदर एरेंगल के अंदर 756 किल किए थे। हाँ मेरे भाई तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो, अब काफी सारे लोग बोलेंगे भाई 756 किल किए कैसे उसने, गेम के अंदर तो 100 ही बंदे होते हैं, मतलब 100 प्लेयर ही होते हैं, तो एक बंदा अगर ज्यादा से ज्यादा किल करेगा तो 99 किल कर सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। लेकिन उस बंदे ने भाई साहब एक सिंगल गेम के अंदर एरेंगल के अंदर ही 756 किल किए थे, जो कि बिल्कुल रियल है। अब उसने कैसे किए थे वो आप लोगों को आगे पता चलेगा इसी वाली वीडियो में। और क्या आपको पता है कि पहले के टाइम पे गेम के अंदर कैसा ट्री हुआ करता था, एक ऐसा पेड़ हुआ करता था जो कि हम लोगों को लूट दिया करता था, मतलब अभी के पेड़ के पास में तक आप जाओगे तो आप कवर ले सकते हो गेम के अंदर एरेंगल में, लेकिन पहले के एरेंगल में कैसा मतलब पेड़ हुआ करता था जो कि मैं लूट देता था लेवल 3 की लूट। तो वो कौन सा पेड़ हुआ करता था और कौन सा बंदा जिसने 756 किए, तो आज की इस वाली वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे अमेजिंग से पुराने ओल्डेस्ट फैक्ट्स बताऊंगा पबजी मोबाइल के, जो कि बहुत ही कम प्लेयर्स जानते हैं, जो कि ओल्ड प्लेयर है ना सिर्फ उन्हीं को पता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वाली वीडियो पे 5000 लाइक का टारगेट है 1-2 घंटे में, तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, इस वाली वीडियो से 20,000 सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार सारे लोग जो भी नए हैं। चलो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7, तो क्या को पता है कि पहले के टाइम पे पबजी मोबाइल के अंदर एक ऐसा अपडेट आया था जिसके जरिए हम लोगों को एक पेड़ मिलता था और उस पेड़ से हम लोग लूट कर सकते थे। अब अभी के टाइम पे तो मतलब गेम के अंदर वैसे तो एरेंगल मैप पे बहुत सारे पेड़ है, लेकिन कोई भी पेड़ से हम लोग कवर ले सकते हैं लेकिन वो लूट नहीं देता। लेकिन पहले के टाइम पे पबजी मोबाइल के अंदर एक अपडेट आया था और उस अपडेट में दरअसल हुआ क्या करता था कि गेम के अंदर बहुत सारी जगह पे मतलब एरेंगल मैप जो है वहां पे बहुत सारी हॉट ड्रॉप वाली जो लोकेशन होती थी वहां पे एक पेड़ था, ठीक है, और उस पेड़ के पास में जाते ही एक बटन आता था और उसके ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करते थे तो वो पेड़ जो है हम लोगों को रैंडमली लूट दिया करता था। कभी हम लोगों को कुछ कॉइन मिल जाते, कभी जो है मतलब लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट वगैरह कुछ भी हम लोगों को मिल जाता था, M4 वगैरह गन वगैरह कुछ भी जितना भी गेम के अंदर लूट वाला आइटम है कुछ भी रैंडमली हम लोगों को मिल सकता था। और उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि उस पर सबसे ज्यादा जो पेड़ जो पॉपुलर था वो तो भाई साहब स्कूल के पास में जो पहाड़ी है ना वहां भी भाई साहब पेड़ हुआ करता था टंकी के पास में, और उस पे भाई साहब इतने सारे लोग जो है लैंड किया करते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था और सब लोगों को लूट चाहिए होती थी, मतलब लोग वहीं पे लैंड करते थे क्योंकि लेवल 3 की लूट उस टाइम पे वो देता था और उस टाइम पे लेवल 3 की लूट बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। फैक्ट नंबर 6, तो क्या आपको पता है कि पहले के टाइम पे जो वीकेंडी मैप है तो वीकेंडी मैप के अंदर पहले के टाइम पे नाइट हुआ करती थी, मतलब रात हो जाया करती थी पूरी, और आप लोगों को पता होगा वीकेंडी मैप कितना अच्छा मैप है। अब जो लोग खेलते नहीं है उनको तो बुरा ही लगता है, लेकिन भाई मैप बहुत ही अच्छा है, हर जगह बर्फ होती है और काफी मजा आता है खेलने में। तो जो वीकेंडी मैप है उसको अगर आप लोग मतलब पहले के टाइम पे खेलते थे, पहले एक अपडेट आया था वीकेंडी मैप के अंदर, तो उसमें क्या हुआ करता था कि जब हम लोग गेम में जाते थे तो एक जो है मोड लग जाता था जिसका नाम था अरोरा मोड, ठीक है, और उस अरोरा मोड के अंदर होता यह था कि गेम के अंदर थोड़ी देर से क्या हो जाता था कि रात हो जाया करती थी और वहां पर नाइट विजन गॉगल्स जो है वो लगाने पड़ते थे और काफी इंटरेस्टिंग मतलब मोड हो जाया करता था क्योंकि हर जगह पूरे में जो है रात हुआ करती थी और मतलब भाई साहब अलग ही मतलब सीन होता, मतलब बहुत ही अच्छा लगता था, व्यू बहुत ही अच्छा आता था। अगर आप लोगों ने ये मोड खेला है नहीं खेला मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर खेला है ना तो मुझे पता है 100% ये मोड आप लोगों को पसंद आया होगा, मैंने तो भाई साहब बहुत ज्यादा खेला था और जिस टाइम ये मोड आया था मैं तो सिर्फ वीकेंडी मैप ही खेलता था। फैक्ट नंबर 5, तो क्या आपको पता है कि पहले कंटे में जो एरेंगल मैप है उसके अंदर गाइस जॉम्बीज हुआ करते थे। अब आप लोग बोलोगे भाई जॉम्बी मोड के अंदर तो जॉम्बी होंगे, लेकिन जॉम्बी मोड की मैं बात नहीं कर रहा, जो एरेंगल मैप है जहां पे हम लोग रैंक पुश वगैरह करते हैं वगैरह, जो एरेंगल मैप है जो नॉर्मल वाला जो हमारा एरेंगल है जो कि हम अभी भी खेलते हैं, तो नॉर्मल एरेंगल के अंदर भी पहले के टाइम पे ज़ॉम्बीज हुआ करते थे जो कि रियल में मतलब चलते वगैरह थे, ऐसे पुतले नहीं थे, रियल में चलते वगैरह थे। अब देखो ज़ॉम्बी मोड जो है उसके अंदर तो नॉर्मल ज़ॉम्बीज वगैरह होते ही थे, जो कि ज़ॉम्बी मोड हम खेलते थे तो बहुत सारे ज़ॉम्बी आते थे हम उसको खत्म करते थे, लेकिन नॉर्मल वाले एरेंगल में आप लोगों ने कभी ज़ॉम्बी नहीं देखा होगा, वहां पे प्लेयर बहुत सारे होते हैं लेकिन ज़ॉम्बी नहीं होते। लेकिन वहां पे पहले के टाइम पे क्या पता है कि एक अपडेट आया था जिसमें एरेंगल मैप के अंदर भी ज़ॉम्बी हुआ करते थे, तो वो जो ज़ॉम्बी है वो हमें वेटिंग लॉबी के अंदर मिलते थे, मतलब पहले टाइम पे बहुत पहले पबजी मोबाइल के अंदर जो है ज़ॉम्बी मोड वगैरह आया नहीं था, तो ज़ॉम्बी मोड जो है आने वाला था, इसलिए पबजी ने बहुत ही ज्यादा हाइप बनाई थी और हाइप के चक्कर में पबजी ने क्या किया था कि जो एरेंगल मैप है उसका जो वेटिंग लॉबी होती है तो वेटिंग में आप लोगों को पता होगा एक गुफा है, तो वहां पे जब हम अंदर की तरफ जाया करते थे तो वहां पे जो है रियल में ज़ॉम्बीज हुआ करते थे कुछ इस तरीके से, जो कि आप लोग इस वाले क्लिप पे देख ही सकते हो। और ये ज़ॉम्बी में कुछ करते नहीं थे, बस ऐसे ही खड़े रहते थे, मतलब हमें दिखाने के लिए कि मैं पबजी मोबाइल ये दिखाना चाहता था कि वे ज़ॉम्बीज जो है गेम के अंदर आने वाले हैं, और उसकी बाद में ये जो है मतलब चला गया था, ये वहां से जो ज़ॉम्बीज वगैरह थे वो हट गए थे और उसके बाद में जो ज़ॉम्बी मोड आ गया था अलग से, जो कि हम अलग से ज़ॉम्बी मोड खेल सकते थे। लेकिन पहले रियल में एरेंगल मैप में रैंक पुश वाला जो मैप है उसके अंदर भाई साहब पहले जो है ज़ॉम्बीज वगैरह आया करते थे।
फैक्ट नंबर फोर, तो क्या आपको पता है कि पहले करना पे पबजी मोबाइल का जो एरेंगल मैप है उसके अंदर हम लोग पटाखे वगैरह फोड़ सकते थे। अब आप लोग बोलोगे भाई ये क्या बोल रहा है रियल में, तो हाँ मेरे भाई पहले के टाइम पे एरेंगल मैप के अंदर एक जो है नया मतलब एक इवेंट आया था, और उस इवेंट में दरअसल हुआ क्या करता था कि हम लोगों को कुछ पटाखे मिलते थे ऑटोमेटिक, जैसे हम लोग गेम स्टार्ट करते थे तो वेटिंग लॉबी जो होती है वहां पे हम जैसे जाया करते थे तो हम लोगों को कुछ पटाखे वगैरह मिलते थे, ठीक है, और उनको जो है हम लोग गेम के अंदर चला भी सकते थे, मतलब भाई सब जो वेटिंग लॉबी होती थी वहां पे हम चला भी सकते थे। और अगर आप लोगों ने इवेंट खेला होगा तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल 100% पता होगी कि जिस टाइम पे भाई साहब ये इवेंट आया था ना तो वेटिंग लॉबी के अंदर इतने सारे लोग पटाखे चलाया करते थे कि भाई साहब बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं सुनाई देता था, पटाखों की आवाज ही आती रहती थी, और इतने सारे लोग पटाखे इसलिए चलाते थे क्योंकि पटाखे चलाने पे जो है हम लोगों को कुछ मिशंस होते थे जो कंप्लीट होते थे, तो बहुत सारे लोग तो भाई साहब वेटिंग लॉबी में सिर्फ पटाखे चलाने आया करते थे, गेम में तो जाया ही नहीं करते थे। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी, बहुत पहले आई थी ये, उसके बाद हटा दिया था, लेकिन बहुत पहले जो है ऐसा इवेंट आया था गेम के अंदर। तो आप लोगों ने खेला नहीं खेला मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर थ्री, तो क्या आपको पता है कि पहले के टाइम पे मतलब गेम के अंदर एक ऐसा जो है यूएज हुआ करता था, एक यूएज का एक ऐसा गाड़ी था, जैसे अभी आप लोगों को पता है गेम के अंदर वैसे तो बहुत सारा व्हीकल है, डासिया है, यूएज है, तो जो यूएज गाड़ी है ना, तो यूएज का एक ऐसा मॉडिफाइड वर्जन था गेम के अंदर जो भाई साहब गोलियां मारने में फटता ही नहीं था, मतलब वो इतना तकड़ा था। जैसे अभी क्या होता है कि गेम के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो कोई भी अगर आपके पास में से स्क्वाड जा रही है जो कि यूएज के अंदर बैठी है, ठीक है, तो आप लोग उसको स्प्रे मार के बहुत इजीली उसको निकाल दोगे, क्योंकि भाई यूएज के ऊपर गोलियां मारेंगे तो बंदों को भी कभी ना कभी गोलियां टच हो जाती है, तो बंदे हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे एक ऐसा मॉडिफाइड यूएज था जो कि मतलब कुछ ही रेयर लोगों को मिलता था, किसको मिलता था मैं आपको बताऊंगा, और उस यूएज के अंदर बैठ के अगर आप लोग जाते थे ना तो भाई साहब आपको कोई कितनी भी गोलियां मार दे लेकिन आपको एक भी गोली टच नहीं होती थी। अब वो क्यों, तो पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि जिस टाइम पे नई नई फ्लेयर गन आई थी ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि जब हम फ्लेयर गन को अगर जोन के बाहर चला दिया करते थे तो मतलब है ना एक बहुत ही तकड़े वाली यूएज आया करती थी जो कि कुछ इस तरीके की थी जो कि आप लोग देख ही सकते हो। और इस यूएज में भाई साहब सबसे अच्छा सीन ये था ना कि भाई साहब आप कोई कितना भी स्प्रे कर ले लेकिन आपको जो है गोलियां वगैरह टच वगैरह जो है नहीं हो सकती थी गाड़ी में। लेकिन सबसे अलग सीन इसका ये था कि भाई साहब हम अंदर बैठे रहते थे ना तो हम भी बाहर जो है फायर नहीं कर सकते थे। उसके बाद ने इस यूएज को परमानेंटली जो है पबजी वालों ने हटा दिया, और अब तो भाई साहब बीआरडीएम आ गई है जो कि कोई काम की नहीं है, मतलब भाई मैं तो यूज नहीं करता बीआरडीएम कभी भी, बाकी पहले के टाइम पे जो है ऐसी यूएज हुआ करती थी अगर जोन के बाहर फ्लेयर चलाया करते थे तो। फैक्ट नंबर टू, तो क्या आपको पता है कि पहले के टाइम पे जो हमारा सैनोक मैप है जिसको बहुत ही कम लोग खेलते हैं, जो कैंप वगैरह करते हैं वही ज्यादा खेलते हैं क्योंकि सैनोक मैप में इतना मजा नहीं आता, वैसे बहुत सारे लोग खेलते भी होंगे, तो पहले का जो सैनोक मैप है ना उसके अंदर एक अपडेट आया था पबजी मोबाइल के अंदर, और उसमें क्या हुआ करता था कि अगर आप सैनोक मैप पे जाते थे तो एक मोड लग जाता था ऑटोमेटिक जो रैंडम हुआ करता था, और उस मोड का नाम था रैन मोड, ठीक है, और वो मोड जब भी लगता था ना उसके अंदर क्या होता आधे गेम के अंदर भाई साहब गेम मतलब सैनोक मोड के सैनोक जो मैप है उसके अंदर इतनी ज्यादा बारिश होने लगती थी भाई साहब, बहुत ही तेज बारिश होने लगती थी, और जब आप बाहर निकलते थे बारिश के अंदर तो भाई साहब आपको लगता था कि रियल में बारिश हो रही है, मतलब बारिश की पूरी आवाज आया करती थी और बादलों के टकराने की बिजली की बहुत ही मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक जिस तरीके से बारिश होती है ना वैसी की वैसी बारिश जो है पहले सैनोक मैप के अंदर हुआ करती थी, बहुत ही ज्यादा मजा आता था, हर जगह पानी बह रहा हुआ करता था और काफी अच्छा था। उसके बाद में क्या हुआ था कि ये मोड बाद में हट गया था, लेकिन आप लोगों ने ये मोड खेला है फिर नहीं खेला मुझे बताना, बाकी ये मोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और जिस टाइम ये मोड आया था ना तो भाई साहब लोग एरेंगल की बजाय सैनोक ज्यादा खेल रहे थे क्योंकि भाई सैनोक का क्रेज उस टाइम बढ़ गया था, बहुत ही तकड़ा वाला मोड था ये वाला। फैक्ट नंबर वन, तो क्या आपको पता है कि एक ऐसा प्लेयर गेम के अंदर एग्जिस्ट करता है जिसने एक सिंगल गेम के अंदर 756 किल किए थे। अब आप लोग बोलोगे भाई ये बिल्कुल झूठ है, 756 किल तो हो ही नहीं सकते यार, मतलब गेम में 100 ही बंदे होते हैं, तो हाँ भाई उस गेम में भी 100 ही बंदे थे लेकिन तो भी उसने 756 किल किए। अब आप लोग बोलोगे बिल्कुल झूठ है, झूठ नहीं है, एक बंदा है जिस जो शायद यूट्यूबर है जिसका नाम है MGEPIC, तो ये जो बंदा है ना इस बंदे ने भाई साहब ज़ॉम्बी मोड के अंदर 756 किल किए थे जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मतलब भाई साहब ज़ॉम्बी मोड आप लोगों ने खेला होगा, ज़ॉम्बी इसको हम किल करते हैं तो वो काउंट होता है गेम के अंदर, तो आप लोगों ने भी जो है ये पक्का 100% जो है ऐसे मतलब किया होगा 100% मतलब ज़ॉम्बीज वगैरह के किल किए होंगे, तो हाईएस्ट किल आपके 150 200 300 400 इतने ही होंगे, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ज़ॉम्बी मोड के अंदर किल करने वाला यही बंदा है जिसने भाई साहब 756 किल किए थे। इससे ज्यादा अगर किसी ने किल किया ना तो मुझे उसका जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, बाकी उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।